हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रेम मास्टर्स। मेरा नाम है शोबित सिंह। मैं जैसा कि आपको बैंकिंग टॉपिक के ऊपर इससे पहले दो टॉपिक ला चुका हूं, एक मैंने आपको इंडियन टैक्स सिस्टम के बारे में बताया था इससे पहले, और उससे पहले इंडियन बैंकिंग हिस्ट्री के बारे में बताया था, और जो कि ये मेरा थर्ड टॉपिक है, थर्ड लेक्चर है एनपीए के ऊपर। जैसा आपने लिखा देखा होगा, एनपीए जो कि एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट टर्म है। एनपीए का पूरा नाम है नॉन परफॉर्मिंग असेट्स, जो आजकल काफ़ी न्यूज़ में रहता है, काफ़ी हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, राइट। तो ये है क्या? ये जो चैप्टर है वो रिटन एग्ज़ाम में तो आता ही है, लेकिन किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के इंटरव्यू में भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, बैंक के इंटरव्यूज़ के लिए, अदर किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। अक्सर पूछ लिया जाता है कि भाई एक बैंक की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है एक्चुअल में। तो एक बैंक की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। भाई जैसे अगर मैं बात करूं बैंक होता क्या है, पहले मैं वो बता देता हूं। बैंक एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, राइट, जिन पे एक्सेस ऑफ मनी है, और उसी डिपॉजिट को दूसरे हाथ से लोन के रूप में प्रोवाइड कर देता है जिनको इसकी ज़रूरत है। जिनसे डिपॉजिट लिया है उनको थोड़ा कम ब्याज देता है, कम इंटरेस्ट देता है, लेकिन जिनको लोन दिया है उनको कुछ ज़्यादा ही दर से चार्ज करता है, और बीच में खुद कमीशन अर्न करने का काम करता है। तो ये एक बैंक है, तो बैंक इज़ द टाइप ऑफ मीडिएटर, राइट। भाई बैंक भी बिजनेस कर रहा है ना, प्रॉफिट के लिए वर्क कर रहा है, राइट। हर बिजनेस के अपने कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, उसी तरीके से अपने बैंक के भी कुछ प्रॉब्लम्स से फेस करना पड़ता होगा, कुछ प्रॉब्लम्स होती होंगी, है ना। तो वो जो प्रॉब्लम का नेम है वो है एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स, जो नाम से ही स्पेसिफाई हो रही है कि बैंक की ऐसी संपत्ति जिसने अब नॉन परफॉर्म हो गई है, नॉन परफॉर्म हो गई है मतलब अब परफॉर्म करना बंद कर दिया है। मतलब क्या हुआ भाई? बैंक के पास जो डिपॉजिट आ रहे हैं ये तो बैंक की लायबिलिटी है, ये तो बैंक को और देना है, बल्कि प्रॉब्लम डिपॉजिट एक्सेप्ट करने में नहीं है। प्रॉब्लम क्या है? जिन लोगों को लोन दिया है, जो बैंक के लोन लिया है बैंक से, अगर वो लोन बोरोअर बैंक को रिपेमेंट करना बंद कर दें तो बैंक की वो संपत्ति नॉन परफॉर्मिंग असेट्स हो जाती है। भाई बैंक ने लोन दिया है तो बैंक की वो संपत्ति है, राइट। लोन किसके लिए है? जिन्होंने लोन लिया है, लोन बोरोअर्स के लिए, है ना, ओके। भाई उसी तौर पे अगर मैं सीधे सरल शब्दों में बात करूं एनपीए को, तो बैंक का डूबा हुआ पैसा, फिलहाल का डूबा हुआ पैसा ही एनपीए कहलाता है। मैंने एक वर्ड यूज किया, फिलहाल का डूबा हुआ पैसा। फिलहाल का मतलब क्यों? एनपीए का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि बैंक का पैसा फाइनली डूब चुका है या अब रिकवरी नहीं हो सकती, ऐसा बिल्कुल नहीं। फिलहाल डूब चुका है लेकिन अभी रिकवरी बैंक करेगा, कोशिश करेगा, और उससे कुछ रिकवरी भी हो सकती है और होगी, राइट। इसीलिए मैं आपको एक चीज़ बता दूं जो आपसे बहुत इंटरव्यूज में पूछी जाती है, आपने एक टर्म सुनी होगी बैड डेप्ट। बैड डेप्ट को हिंदी में कहते हैं डूबत ऋण, राइट। डूबत ऋण अगर मैं बात करूं क्या होता है, जो कॉमर्स के स्टूडेंट होने पता होगा कि हम प्रॉफिट एंड लॉस या बैलेंस शीट में एक बैड डेप्ट करके टर्म दिखाते हैं। इसका मतलब होता है कि जब भी किसी कंपनी का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी भी बैंक का फाइनली पैसा डूब जाता है, जहाँ पर कोई भी रिकवरी के चांस नहीं बचते, तब वो जो टर्म कहलाती है वो बैड डेप्ट कहलाती है। जबकि मैंने एनपीए बताया, ये फिलहाल का डूबा हुआ पैसा है, रिकवरी हो सकती है। तो एक्चुअल में एनपीए हम कह सकते हैं इज द पार्ट ऑफ बैड डेप्ट। अगर ये एनपीए अमाउंट रिकवरी नहीं हो पाएगा, तब बैंक भी इस अमाउंट को अपने यहाँ पर अकाउंट में बैड डेप्ट के नाम से शो करेगा।
ओके तो बैड डेट फाइनली पैसा डूबना, एनपीए फिलहाल का पैसा डूबना, क्लियर। आगे मैं बात करता हूं कुछ भाई एनपीए असेट्स को, जो एनपीए है अब उसको कुछ पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, राइट। हम बात करेंगे उसको भी, पहले मैं एक डेफिनेशन बता दूं कि एनपीए कब कैसे अनाउंस होता है बैंक के द्वारा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपने कोई भी एक लोन लिया होगा 2015 में, लोन दो तरीके के होते हैं, एक सिक्योर्ड लोन होता है और एक अनसिक्योर्ड लोन होता है, राइट। सिक्योर्ड लोन का मतलब होता है जहां पर आपने कोई भी चीज कोलेटरल रख के, गिरवी रख के लोन लिया हो, तब बैंक आपको लोन देती है, तो उसका मतलब कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी के कागज या कोई भी चीज कोलेटरल में रखी होगी, तब बैंक ने आपको उस बिहा पर लोन दिया होगा, वो कोलेटरल लोन कहलाता। एक अनसिक्योर्ड लोन जो जनरली पर्सनल लोन्स कहलाते हैं, जैसे बिजनेस के लिए लोन लेना, कार लोन लेना, ये सब टाइप के पर्सनल लोन अनसिक्योर्ड लोन कहलाते हैं, जो आपकी गुडविल के बिहा पर दे दिए जाते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न के बिहा पर दिए जाते हैं, तो वो अनसिक्योर्ड लोन होते हैं। तो अगर आपने किसी भी टाइप का, मैं मान लेता हूँ लोन लिया है एक पर्टिकुलर 2015 में, नवंबर 2015 में मान लेते हैं, 25 लाख का आपने लोन लिया है, 25 लाख का आपने लोन लिया है भाई, हमें पता है हम जो भी लोन लेते हैं उसका जो रीपेमेंट करते हैं वो करते हैं ईएमआई के माध्यम से, इक्विटेड मंथली इंस्टॉलमेंट के माध्यम से, इट्स कॉल्ड इक्विटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, जिसमें हम मंथली वे में अपना पेमेंट करते हैं बैंक को, रीपेमेंट करते हैं, तो वो ईएमआई कहलाता है, जिसमें आपका प्रिंसिपल अमाउंट जो मूल अमाउंट है वो और प्लस इंटरेस्ट इंक्लूड होता है जो आप हर मंथली बेसिस पे देते हैं, क्लियर। तो मान लेते हैं कि आपने 2015 में लोन लिया, आप जून 2017 तक प्रॉपर उसकी ईएमआई का रिपेमेंट करते रहे और 15 लाख का आपने लोन भी रिपेमेंट कर दिया, राइट। लोन कितना बचा? लोन बचा आपका 10 लाख, अगर हम इसको घटाएंगे तो लोन बचा 10 लाख प्लस जो भी इंटरेस्ट होगा। जैसे ही 30 जून आया, बैंक ने आपकी ईएमआई ड्यू हुई, बैंक ने आपको नोटिस भेजा कि प्लीज आपकी नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट भी ड्यू हो गई है, कृपया इसको भी रिपेमेंट कर दीजिए, राइट। लेकिन आपने उसके बाद रिपेमेंट करना बंद कर दिया, आप समय बीत गया, बैंक ने लगातार नोटिस भेज रहा है लेकिन अभी भी आप रिपेमेंट नहीं कर रहे हैं, जुलाई हो गया, अगस्त हो गया और सितंबर हो गया, 90 दिन बीत चुके, अभी भी आपने कोई रिपेमेंट नहीं किया, तो बैंक क्या करेगी? मैं अगर डेफिनेशन की बात करूं, इंस्टॉलमेंट ड्यू होने के 90 दिन के अंदर अगर लोन बोरोअर के द्वारा बाकी ईएमआई का रिपेमेंट नहीं किया जा रहा है तो आफ्टर 90 डेज बैंक उसको एनपीए अनाउंस कर देगा, आफ्टर 90 डेज इंस्टॉलमेंट ड्यू होने के बाद जितनी भी पेंडिंग लोन अमाउंट है उसको एनपीए अमाउंट घोषित कर देगा, ना कि पूरे को। भाई हमें बात सिंपल सी ये याद रखनी है, प्रॉब्लम कब से है? जून के बाद से है ना। प्रॉब्लम कितने में है? 10 लाख में ना। तो कितनी असेट्स नॉन परफॉर्म हुई? 10 लाख, क्लियर। तो वो एनपीए हो गया बैंक के लिए, ओके। तो ये ऐसे होता है, ये डेफिनेशन है, ठीक। भाई एक चीज मैं यहां पर और बता दूं, अगर मान लीजिए कोई पर्टिकुलर मंथ में पेमेंट नहीं कर पाया, दो मंथ नहीं कर पाया, तीन मंथ नहीं कर पाया और फिर अपनी ईएमआई फिर से रिज्यूम करवाना चाहता है या एनपीए अनाउंस होने के बाद भी करवाना चाहता है तो करवा सकता है, उस पर कुछ पेनाल्टी जाएगी, बैंक कुछ पार्ट पेनाल्टी का काटेगा और बाकी आपका रिमेनिंग फिर से ईएमआई रिज्यूम कर दी जाएगी, ठीक है। तो ये अब एनपीए असेट्स को चार पार्ट में क्लासिफाई जनरली किया जाता है, पहला स्टैंडर्ड असेट्स, दूसरा
सब स्टैंडर्ड असेट्स, राइट। तीसरा डाउटफुल असेट्स और फोर्थ वन लॉस असेट्स। ये चार पार्ट में एनपी असेट्स को क्लासिफिकेशन किया गया है। जनरली एनपीए के तीन बेसिक क्लासिफिकेशन होते हैं, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल और लॉस। लेकिन बैंक अपने जो खाते बनाता है, अकाउंट बनाता है, उसको चार पार्ट में क्लासिफाई करता है। स्टैंडर्ड का टाइम पीरियड होता है 0 to 90 days, सब स्टैंडर्ड का होता है 91 days to 365 days, डाउटफुल असेट्स का होता है मोर देन वन ईयर, जबकि लॉस असेट्स का भी जो टाइम पीरियड होता है वो होता है मोर देन वन ईयर। क्लियर होता क्या है भाई? जैसे मैंने बोला कि जुलाई अगस्त और सितंबर जून में इंस्टॉलमेंट ड्यू हुई थी, लेकिन एनपी अनाउंस कब हो रहा था? 3 मंथ के बाद, 90 दिन के बाद। तो बैंक जो जुलाई अगस्त और सितंबर का टाइम पीरियड है उसको स्टैंडर्ड असेट्स में क्लासिफाई करता है और एज ए स्टैंडर्ड मानता है। यहाँ पर मतलब ये है कहने का कि जनरली बैंक उसमें कोई भी रिस्क नहीं समझता। बैंक को लगता है कि हो सकता है किसी भी कस्टमर की फाइनेंशियल प्रॉब्लम रही हो, उस वजह से वो उसका रिपेमेंट ना कर पाया हो। ठीक जैसे हम भी अगर किसी को लोन देते हैं तो कुछ दिन अगर कोई नहीं देता है तो हम उसे कहते हैं भाई दे दो, लेकिन हम कोई रिस्क जनरली नहीं समझते। तो बैंक भी यहाँ पर वही काम करता है और एज ए स्टैंडर्ड क्लासिफाई करता है। क्लियर भाई? उसके बाद सब स्टैंडर्ड असेट्स 90 दिन बीत चुके हैं, हमें पता है एनपी भी अनाउंस हो जाता है और बैंक इसको तब सब स्टैंडर्ड असेट्स में क्लासिफाई कर देता है। हालांकि बैंक नोटिस कंटिन्यूसली भेजता है, चाहे स्टैंडर्ड में हो चाहे सब स्टैंडर्ड में हो, जैसे जिस बैंक का प्रोसीजर है नोटिस भेजेगा, बार बार भेजेगा, लेकिन रीपेमेंट अभी तक नहीं किया गया, ईएमआई दोबारा नहीं दी गई है, राइट। 90 दिन बीत गए तब बैंक एज अ सब स्टैंडर्ड क्लासिफाई कर देगा। एक साल तक 365 दिन तक ये एज अ सब स्टैंडर्ड में रहता है। बैंक को अब कुछ रिस्क लगने लगता है, लगता है कि यार ये लोन बोरोअर लगता है ऐसे पैसे देने वाला नहीं है, तभी वो इसको सब स्टैंडर्ड में क्लासिफाई करता है। क्लियर भाई? उसके बाद डाउटफुल असेट्स, एक साल से बाद का ज़्यादा टाइम पीरियड हो गया, बैंक को अब डाउटफुल लगने लगता है, कुछ जो है लोन बोरोअर की लगता है नीयत है नहीं देने की, उसे डाउटफुल लगा तो वो अपने यहाँ से इंस्पेक्टर्स को भेजता है, जो उसके ऑडिटर्स या इंस्पेक्टर्स होते हैं उनको भेजता है और जाके कहता है कि भाई जाइए लोन बोरोअर से बात करिए, इंस्पेक्शन करिए कि वो पैसे रिपेमेंट करना चाहते हैं या नहीं। मैं क्योंकि बैंक का काम है डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, लोन देना, बैंक चाहता है कि उसने आपको पैसा कैश के रूप में दिया है तो वापस भी कैश के रूप में ही हो जाए, वो रिकवरी के प्रॉब्लम्स में फंसना नहीं चाहता। भाई ऑडिटर्स जाते हैं, इंस्पेक्टर्स जाते हैं, अगर उन्हें लगता है कि हाँ दे देगा कुछ दिनों में, तब तो उसको टाइम पीरियड और दिया जाता है। अगर उन्हें लगता है कि नहीं अब ये लोन बोरोअर पैसे देने वाला नहीं है, तब वो असेट्स लॉस असेट्स में क्लासिफाई कर दी जाती है। बट लॉस असेट्स में क्लासिफाई करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि बैंक को एक्चुअल में लॉस हो गया है, राइट। एक्चुअल में लॉस का मतलब कि ऐसा नहीं है कि रिकवरी अब हो ही नहीं सकती। लॉस इस चीज़ का हुआ है कि हाँ उसको अब कैश के रूप में पैसा मिलने की उम्मीद खत्म हो गई है, इस चीज़ का जो लॉस हुआ है वो लॉस असेट्स कहलाता है। ठीक, अब मैं आगे बात करता हूँ कुछ प्रोविजंस फॉर रिकवरी, कैसे बैंक रिकवरी करता है ना भैया। आपने एक मूवी देखी होगी, संजय दत्त की मूवी आई थी, मुझे याद आ रही है, ईएमआई लिया है तो चुकाना पड़ेगा, राइट। उसमें बैंकों ने कुछ प्रोविजन अपनाए थे, गुंडे हायर कर लिए थे, जैसे संजय दत्त गुंडे बने थे उसमें, और उनको कुछ कमीशन देती थी बैंक और कहती थी जाइए आप हमारे तौर पे रिकवरी करिए, और वहाँ से जाके रिकवरी वो करते थे, राइट। लेकिन ये एक लीगल तरीका नहीं है, इलीगल तरीका है, जैसे कोर्ट ने बाद में इसको रोक लगा दी। तो मैं जो भी लॉ के अकॉर्डिंग प्रोविजंस होते हैं, राइट, रिकवरी के, मैं उसकी बात करूँगा, देखते हैं।
जैसा हमने कहा कि प्रोविजंस फॉर रिकवरी में कौन कौन से ऐसे प्रोविजंस बनाए गए हैं लॉ के अकॉर्डिंग जो आपके हेल्प करते हैं बैंक के रिकवरी करने में एनपीए, तो उसमें पहला है डीआरटी के बारे में, दूसरा है सरफेसी, फिर डीआरएटी और फिर एआरसी, राइट। डीआरटी का अगर मैं पूरा नाम बताऊं तो इट्स कॉल्ड द डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल, राइट। सरफेसी का भी पूरा एक नाम होता है जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, राइट। एब्रिविएशन बहुत पूछी जाती है इसकी, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल असेट्स इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट, राइट। उसके बाद डेप्ट रिकवरी एपिलेट ट्रिब्यूनल, और लास्ट वन जो एआरसी है उसका फुल नेम है असेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, राइट। अब मैं बताता हूँ इनके बारे में, ये है क्या। एक्चुअल में 1990 से पहले, 1990 से पहले बैंक को अपना पैसा रिकवरी करने में बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ती थी। किस टाइप की प्रॉब्लम, चाहे वो सिक्योर्ड लोन हो चाहे अनसिक्योर्ड लोन हो, राइट। भाई सिक्योर्ड है तब तो एक बैंक पे उसके प्रॉपर्टी के कागज़ रखे हुए हैं, तब तो बैंक सिंपल सा उसकी प्रॉपर्टी ऑक्शन करेगा, नीलामी करेगा, उसको बेच के अपना पैसा रिकवरी कर लेगा। बैंक हमेशा क्या करता है कि जो भी प्रॉपर्टी होती है उसका 60-70% तक ही लोन देता है। तो सिक्योर्ड लोन के केस में उससे ज़्यादा की प्रॉपर्टी आपके पास बैंक के पास रखी होगी और बैंक उसको आसानी से रिकवरी कर पाएगा। अनसिक्योर्ड लोन के केस में भी रिकवरी कैसे करता है, आप कहेंगे भाई वहाँ से रिकवरी कैसे होगी। देखिए बैंक जो भी अनसिक्योर्ड लोन भी देता है तो वो ऐसे ही नहीं देता, उसके लिए कहीं ना कहीं अगर बिजनेस के लिए दिया गया है तो बिजनेस की बैलेंस शीट, ITR, इनकम टैक्स रिटर्न देखता है, और क्या कैसा टर्नओवर है, कितना स्टॉक रखते हैं, सब कुछ देखता है, उसी के बिहाफ पर आपको बिजनेस लोन दिया जाता है। अगर मैं बात करूं कार लोन वगैरह भी इनकम टैक्स रिटर्न के बिहाफ पर दिया जाता है कि आपकी रिटर्न जो है आपने फाइल की है उसमें कौन सी इनकम किस सोर्स से आ रही है, वो वैलिड सोर्स है या नहीं है। अगर उन्हें वैलिड सोर्स लगता है तभी वो आपको अनसिक्योर्ड लोन भी पास करते हैं, अदरवाइज वो अनसिक्योर्ड लोन भी पास नहीं करते, राइट। तो वही मैंने बताया कि 1990 से पहले रिकवरी कैसे होती थी, 1990 से पहले चाहे सिक्योर्ड लोन हो चाहे अनसिक्योर्ड लोन हो, बैंक जैसे ही रिकवरी करने जाता था भाई जो भी उसकी प्रॉपर्टी है, जो भी उसकी संपत्ति है, उसको ऑक्शन या नीलामी करने अपने अंडर में करने, तो एक जो लोन बोरोअर है, ऋण जिसने लिया है, वो क्या करते थे, वो सिविल कोर्ट चले जाया करते थे। सिविल कोर्ट मतलब जो जिला सत्र न्यायालय होती है, राइट, वहाँ चले जाया करते थे और एक तरीके से वहाँ पर केस फाइल कर दिया करते थे अपनी बात रखने के लिए कि भाई हमें मौका दिया जाए, हम ऐसे ऐसे लोन हमने लिया और इनका चुका देंगे, बट हमें अपनी जो है कुछ दिनों का टाइम दिया जाए। कोर्ट का काम होता है दोनों पक्षों की बातें सुनना, वो बैंक को भी बुलाते थे और दोनों पक्षों की बात सुनते थे। इस केस के इस प्रोसीजर में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है, क्योंकि हमें पता है हमारे यहाँ का जो कोर्ट का सिस्टम चलता है, सिविल कोर्ट का सिस्टम चलता है, उसमें तारीख पे तारीख लगती जाती हैं, एडवोकेट या वकील उसमें तारीख तारीख लगवा के लगाते रहते हैं, जिससे बैंकों को अपना ही पैसा रिकवरी करने में बहुत ज़्यादा मनी वेस्ट करनी पड़ती है, टाइम वेस्ट करना पड़ता है और मैन पावर भी वेस्ट करनी पड़ती है। तो यही हो रहा था एग्जैक्ट 1990 से पहले। भाई बैंकों को लगा ऐसे तो उसका पैसा बहुत सारा एनपीए होता जाएगा, कभी रिकवरी ही नहीं हो पाएगा। पता लगा लोन बोरोअर चला गया, राइट, चला गया मतलब उसकी डेथ हो गई और वो अभी भी पैसा लोन के रूप में एनपीए है। तो ये बहुत ही मुश्किल हो जा रही थी, बहुत सारा एनपीए बढ़ता जा रहा था। अगर मैं आपको प्रेजेंट एनपीए का कुछ कैलकुलेशन बताऊं जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर मिस्टर अरुण जेटली जी के द्वारा बताया गया है, प्रेजेंट टाइम में लगभग अप्रॉक्स 9 लाख करोड़ पैसा एनपीए चल रहा है, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स चल रहा है, राइट। 100-200 करोड़ नहीं, 1000-2000 करोड़ नहीं, 9 लाख करोड़। जैसे विजय माल्या हमारे भाग गए, हमने वहाँ न्यूज़ सुनी कि भाई 9500 करोड़ 17 बैंकों से पैसा लिया और वो बैंकों का पैसा हुआ एनपीए, है ना। अभी आपने एक हीरा व्यापारी का नाम सुना होगा नीरव मोदी का, राइट, वो भी इसी टाइप के कई बैंकों से पैसा लेके, अनुमान पीएनबी का बताया गया है कि 11500 करोड़ है, लेकिन कहीं इससे ज़्यादा एक्सपेक्टेड पैसा एनपीए हो सकता है 40,000 या 50,000 के करोड़ भी। उसी को मिला मिला के जो पैसा करंट में एनपीए चल रहा है वो अनुमानित इतना है, ठीक है। तो ऐसे बैंकों का पैसा बढ़ता जा रहा था, तो उन्होंने एक क्या किया, इसमें कुछ प्रोविजंस लाए। सबसे पहले उन्होंने 1993 में एक स्पेशल कोड बनाया जिसका नाम था डीआरटी, डेप्ट रिकवरी
ट्रिब्यूनल, राइट। ये एक टाइप का स्पेशल कोड है जो केवल और केवल बैंक के एनपीए मैटर्स को डील करने का काम करता है। अब इसमें बताया गया लोन बोरोअर्स के लिए कि अगर आपको अपनी कोई भी बात रखनी है, अपनी कोई भी सुनवाई करवानी है, तो आप सिविल कोर्ट में अपील नहीं कर सकते, आप केवल एलिजिबल होंगे डीआरटी में अपील करने के लिए। अब इसके आने से कहीं ना कहीं बैंक के कुछ प्रॉब्लम्स का जल्दी सॉल्यूशन होने लगा, क्योंकि ये केवल एनपीए को डील करने के लिए बनाया गया, राइट। लेकिन इसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स थी जिसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं हो पा रहा था डीआरटी में, राइट। अब क्या करें, तो उसके बाद उसमें कुछ और चेंजेस किए गए। जैसे प्रॉब्लम्स पहले मैं बता दूं, अगर किसी ने मान लीजिए सिक्योर्ड लोन है, राइट, घर के कागज भी रखवा रखे हैं आपने, प्रॉपर्टी के कागज बैंक के पास भी रखवा रखे हैं, अक्सर आप न्यूज़पेपर में देखते हैं कि यार जाली कागज बनवाए और थर्ड पार्टी को बेच के चला गया। अब फंसा कौन इस केस में, थर्ड पार्टी या बैंक, राइट। तो इसका कोई भी प्रोविजन नहीं था डीआरटी में। भाई आप जानते हो हम इंडियन जुगाड़ू होते हैं, कहीं ना कहीं से कुछ कर लेते हैं, राइट। तो इस केस में ये प्रॉब्लम अराइज हुई। अगर एक प्रॉब्लम, अगर किसी कंपनी को लोन दिया है तो उसकी रिकवरी कैसे करें उससे, तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं था, राइट। अगर किसी एग्रीकल्चर लैंड पर लोन दिया गया है तो उसकी कैसे रिकवरी करें, तो ये कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी डीआरटी में जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं था, कोई प्रोविजन नहीं था। तो उसके लिए एक और एक्ट लाया गया 2002 में वो सुधार करके, जिसका नाम रखा गया सर्फेसी, जैसे मैंने आपको इसका पूरा नाम बता चुका हूँ, राइट। सर्फेसी एक्ट 2002 इसको कहते हैं। अब जो भी बेसिक प्रॉब्लम आ रही थी उनका सॉल्यूशन कैसे किया गया, मैं बात उसकी करता हूँ। भाई जैसे अगर मैं बात करूँ कि एक थर्ड पार्टी वाली जो दिक्कत आ रही थी, थर्ड पार्टी वाली, तो यहाँ पर ये माना गया कि कानून अंधा होता है, राइट, उसे मतलब नहीं है। आप जब भी कभी लोन ले, कोई भी थर्ड पार्टी अगर किसी से प्रॉपर्टी परचेज करता है, तो उसे उस कागज़ का एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, हर बैंक से जरूर लेना चाहिए, क्या इस प्रॉपर्टी पर कोई भी लोन तो नहीं चल रहा, राइट। अगर उसने ऐसा नहीं किया है और जाली कागज़ बनवा के बेस पे अगर उसने प्रॉपर्टी परचेज कर ली है या रजिस्ट्री ऑफिस में वो चेक नहीं करवाया है, तब ये गलती मानी जाएगी थर्ड पार्टी की, ना कि बैंक को। मतलब थर्ड पार्टी को वो जगह सरेंडर करनी पड़ेगी, राइट, थर्ड पार्टी को जगह सरेंडर करनी पड़ेगी। लेकिन बैंक ये एक उनको थोड़ी सी सहूलियत देता है कि आपके लिए हम एज अ प्रूफ के तौर पे काम करेंगे, अगर आप लीगल एक्शन लेना चाहते हैं उस लोन बोरोअर के खिलाफ तो हम उसमें आपका सहयोग करेंगे। ये पहला सॉल्यूशन दिया गया सर्फेसी के तहत थर्ड पार्टी वाला। दूसरा, अगर एग्रीकल्चर के लिए भाई व्यापक लोन है तो इसके लिए अलग से केसीसी नॉर्म बना दिया गया 1998 में, नवार्ड ने इसको इंट्रोड्यूस किया। अगर किसान क्रेडिट कार्ड पे जो लोन दिया जाता है, राइट, वो उसकी एग्रीकल्चर लिमिट के अकॉर्डिंग ही दिया जाता है। अगर कोई एक लोन बोरोअर जो है किसान है, वो अगर नहीं दे पा रहा है, वापस नहीं कर पा रहा है, तो खेती एक प्रोडक्टिव चीज़ है, वहाँ से वो पैसा रिकवरी खेती करवा के बैंक निकलवा सकता है, तो वो अलग इसमें से प्रॉब्लम को हटा दिया गया। अगर किसी कंपनी को लोन दिया है, जो थर्ड प्रॉब्लम आ रही थी, तो उसका कंपनी का मैनेजमेंट लेवल वो अपने हाथ में कर सकता है जब तक फाइनल लोन रिकवरी ना हो जाए, राइट। तो इस तरीके से फिलहाल इसमें सॉल्यूशन कर दिया गया सर्फेसी के तहत, क्लियर। तो ये हमारे दो एक्ट हैं जो इसमें इस तरीके से लाए गए। भाई जैसे हम कहते हैं कि हमारे यहाँ हम सुप्रीम कोर्ट तक केस लड़ेंगे, हाई कोर्ट तक केस लड़ेंगे, है ना, वैसे यहाँ पर भी है। अगर आप डीआरटी या सर्फेसी के डिसीजन से सहमत नहीं है तो एक उसकी अबव अथॉरिटी है, अबव अथॉरिटी जो है डीआरएटी के नाम की डेप्ट रिकवरी एपलेट ट्रिब्यूनल है, जिसमें डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई होते हैं जो आपकी बात को सुनते हैं, एक लोन बोरोअर की बात को सुनते हैं। लेकिन एक कंडीशन है इसमें, कंडीशन क्या है कि जो भी 50% ऑफ इस पेंडिंग लोन अमाउंट है, ऑफ इस पेंडिंग लोन अमाउंट, राइट, वो उसे पे करना पड़ेगा, तभी वो एलिजिबल होगा वहाँ पर डीआरएटी में अपील करने का। 10 लाख पेंडिंग बचा था हमने जैसे बात की थी पहले, तो उसमें का 5 लाख पे करना पड़ेगा पहले, तभी इसमें अपील करने का एलिजिबल होगा, क्योंकि वो यहाँ से केस हार के आया है,
राइट, तो इतना उसे करना पड़ेगा इसमें। ठीक भाई, अगर हम मानते हैं चाहे DR80 में, चाहे सरफेसी में, चाहे आपका DR80 में, दो ही कंडीशन बनेंगी, या तो बैंक केस जीतेगा या लोन बोरोअर केस जीतेगा। राइट, हम मान लेते हैं लोन बोरोअर केस जीत गया। क्या केस जीतने का मतलब ये होगा कि लोन बोरोअर का जो भी लोन है वो माफ़ कर दिया जाएगा? नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, उसको कुछ और टाइम दिया जाएगा, है ना, उसको टाइम दिया जाएगा। अगर उस टाइम में वो दे देता है तब तो मैटर इज सॉल्व, अगर तब भी नहीं देता है तब उस टाइम के बाद रिकवरी तो होगी, मीन्स रिकवरी होनी है। दूसरा केस, अगर बैंक तुरंत केस जीत जाता है तो बैंक को तुरंत ऑर्डर मिल जाएगा, जाइए आप उस पर्सन की रिकवरी जाके संपत्ति से करिए। राइट, अब वो रिकवरी करने जाएगा। रिकवरी कैसे करेगा, पहले वो प्रॉपर्टी अपने अंडर में करेगा, अपने अंडर में करने के बाद राइट उसकी ऑक्शन करता है, नीलामी सूचना निकलवाता है, जैसे न्यूज़पेपर में निकलता है ना, लोगों को पार्टिसिपेट करता है, आइए इसमें पार्टिसिपेट करिए, और मिनिमम वैल्यू जो भी उसे लगता है यहाँ से लॉस नहीं होगा वो स्टार्ट करता है ऑक्शन। अगर लोग पार्टिसिपेट करते हैं, आते हैं राइट, पार्टिसिपेट करते हैं और बिक जाती है राइट, और बैंक को लॉस नहीं हो रहा है, तब तो वो आसानी से उसको बेच देते हैं और मैटर यहाँ पर सॉल्व। जितना पैसा विद डेट तक, उस डेट तक अपना होता है बैंक का, वो रख लेती है, अगर कुछ एक्स्ट्रा होता है तो वो एक लोन बोरोअर को वापस कर दिया जाता है। ओके, तो यहाँ पर लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है भाई, ज़रूरी तो नहीं है अब ये बैंक ने ऑक्शन किया और लोगों ने पार्टिसिपेट किया और वो जगह बिकी जाए, हो सकता है किसी विवादित जगह हो, किसी जैसे नेता की होती है, गुंडे की होती है, तो भाई अक्सर लिखा होता है ये विवादित स्थल है, तो लोग उसमें पार्टिसिपेट करना पसंद ही नहीं कर रहे, अब क्या करेंगे, है ना। तो अब बैंक के पास बार बार ऑक्शन कर रहा है, बार बार नीलामी कर रहा है, लेकिन वो जगह बिकी नहीं पा रही है राइट, या अपने उसके बाद फिर करेगा क्या, मैं उसको बताता हूँ, फिर अपने यूज़ में लेने की कोशिश कर सकता है। अपने यूज़ में लेने का मतलब है मेरा कि भाई अपनी ब्रांच खोलने की कोशिश कर सकता है, अगर सूटेबल प्लेस है तब, अगर नहीं है सूटेबल प्लेस तो अपने एम्प्लॉयज़ को रहने के लिए कर सकता है, एम्प्लॉयज़ के रहने के लिए भी नहीं है फिर क्या करेगा, तो उसके लिए फिर लास्ट में जब कोई भी ऑप्शन नहीं बचता है तो लास्ट में एक ऑप्शन बचता है ARC का, डेट इज़ कॉल्ड असेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। ये RBI के द्वारा कुछ रजिस्टर्ड कंपनीज होती हैं, MNC कंपनीज होती हैं, जिनके मल्टीनेशनल वर्क होते हैं, और वो इस टाइप की बैंक की संपत्ति को आधे पौने दामों पे परचेज कर लेते हैं राइट। तो कहीं ना कहीं लास्ट में जब कोई ऑप्शन नहीं बचता है तो बैंक पर इनको बेच के अपना पैसा जितना भी होता है वो लॉस, या लॉस भी हो सकता है या उतने पे भी निकल सकता है जितना पैसा उस डेट तक हुआ, बट कुछ नहीं से कुछ भला है, इसलिए बैंक यहाँ पर बेच के इनको निकल लेते हैं राइट। भाई अगर मैं बात करूँ कि इंडिया की फर्स्ट और लार्जेस्ट कंपनी कौन सी है ARC, तो उसका नाम है ARCIL, असेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी इंडिया लिमिटेड। ठीक है, ये इंडिया की फर्स्ट एंड लार्जेस्ट ARC कंपनी है, क्लियर। ठीक, तो भाई हमने यहाँ पर ये पूरा प्रोविजंस पढ़ा रिकवरी का राइट, इसी तरीके से बैंक रिकवरी करता है, ये पूरा आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम, कोई समस्या होती है तो आप मेरे वीडियोस पे कमेंट करके उसको बता सकते हैं, ठीक है, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए राइट, ज़्यादा से ज़्यादा आगे वीडियोज़ के लिए हम आपको लाते रहेंगे, जो आपको ऑटोमेटिक वहाँ तक पहुँचते रहेंगे। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, ओके, थैंक यू वेरी मच।